श्लोक नंबर 40 में आया है कि आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। और मैंने भगवद्गीता में पढ़ा था, तो जब हम टेंपल में परिक्रमा करते हैं, दैट टाइम ऑल्सो आई नॉट एग्जैक्टली गेव ऑबिसेंसेस, पूरा बेंड डाउन करके नहीं, जस्ट पीछे से टच करके प्रणाम किया। तो समवन आस्क्ड मी नॉट टू डू दैट, कि भगवान को पीछे से प्रणाम नहीं होता है। और उसका रीज़न उन्होंने बोला था कि भागवतम के सेकेंड कैंटो में बोला गया है कि पीछे से प्रणाम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो बता रहे हैं कि चारों तरफ से हम प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। पीछे से किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, पीछे से प्रणाम करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और भगवान क्या है कि भगवान के तो हर जगह डायरेक्शन में उनके नेत्र हैं। सो व्हेन यू डू ओबिसेंसेस टू कृष्णा फ्रॉम बैक, तो कृष्णा थोड़े से जागृत होते हैं, अरे इसने पीछे प्रणाम, तो भगवान को भी पीछे मुड़ करके ऐसे प्रणाम करना पड़ेगा। सो कृष्ण को कष्ट होता है, इसीलिए जब भगवान सो जाते हैं, जब पट बंद होता है, तब भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पट बंद में प्रणाम करेंगे तो भगवान रेस्ट किए थे, एक आया दम लेट गया, फिर भगवान उठेंगे हरे कृष्णा आशीर्वाद देने के लिए ब्लेसिंग। सो जो भक्त भगवान के भाव में होते हैं कि हमें कृष्ण को कष्ट नहीं देना है, वो नहीं करते। तो यहाँ पर प्रणाम नहीं किया है, नमस्कार किया है। तो नमस्कार कर सकते हैं वाइल डूइंग परिक्रमा, वी कैन से, बिकॉज भगवान के पीछे कौन रहता है, अधर्म। तो अधर्म को प्रणाम करते हैं कि हे अधर्म, हे माया, मुझ पर मत लगना, मुझे कृपा करो ठाकुर जी, हे माया मुझे छरणा क्षमा कर दो, और दौड़ करके कृष्ण के आगे चले जाओ, क्योंकि पीछे तो माया और अधर्म पकड़ लेगा। वहाँ लेट गए, प्रणाम किया, तो माया अधर्म खुश होंगे, हमारा क्लाइंट आ गया। सो वहाँ प्रणाम नहीं करना चाहिए, बट येस वी कैन डू परिक्रमा, वी कैन डू नमस्कार टू माया, टू अधर्म, कि भाई हमें क्षमा करो, हमें बस माफ़ करो, हमें कृष्ण के आगे रहने दो, हम पीछे नहीं आना चाहते। सो दैट इज वी कैन डू लाइक दैट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.